राहुल गांधी पहुंचे अलीगढ़ हाथरस सत्संग हादसे में जान जाने वाले लोगों के परिवार से की मुलाकात। अमृतपाल और इंजीनियर राशिद आज लेंगे लोकसभा सदस्य की शपथ। राजनीतिक बयान और फोटो वीडियो बनाने पर होगी पाबंदी। आंध्र के सीएम नायडू ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राज्य के साथ सूत्री विकास एजेंडे के लिए मांगा समर्थन। लालू प्रसाद यादव पार्टी कार्यालय में भरेंगे हुंकार। आरजेडी पार्टी आज मनाएगी 28वां स्थापना दिवस। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत। एमपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। सीएम मोहन यादव का अमरवाड़ा दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समारोह का जागरण के साथ आगाज। 7 जुलाई को निकाली जाएगी भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दिखेगा दम। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय टीम। पहाड़ से मैदान तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी। यूपी में आज जमकर बरसेगा मानसून। मुंबई कभी निराश नहीं करती। टीम इंडिया के भव्य स्वागत से गदगद रोहित शर्मा ने फैंस को कहा थैंक्स। ब्रिटेन में आए चुनावी नतीजे। ऋषि सुनक की हार। लेबर पार्टी को बहुमत। जमैका में तबाही मचाने के बाद मेक्सिको की ओर बढ़ रहा तूफान। बेरिल पर्यटकों को किया गया आगाह। पेरिस के विश्व परिषद गैलरी लाफायेट में शुरू की गई यूपीआई सेवा। पेरिस ओलंपिक पर भी नजर। रूस के रेगिस्तान में नकाब पहनने पर लगा स्थायी प्रतिबंध। आतंकी हमले के बाद लिया फैसला। हिजबुल्ला ने इसराइल पर की रॉकेटों की बौछार। जवाबी कार्रवाई में इसराइल के सोने के बूम से गूंजा लेबनान। सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर। वित्त मंत्रालय ने तय की जीपीएफ के लिए ब्याज दरें। फिर बढ़ गई सोने और चांदी की कीमत। 73,000 के करीब पहुंचा 10 ग्राम सोना। 10 साल के शिखर पर पहुंची घरों की बिक्री। जनवरी जून में हुई 11% की बढ़ोतरी। गुजरात सरकार का सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान। आरबीआई के बम्पर लाभांश से विनिवेश की कम होगी जरूरत। अंतरिम बजट में बना रह सकता है 50,000 करोड़ का लक्ष्य।